हेलो स्टूडेंट, मैं विजन प्रावती आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया एक्सरसाइज लेकर जो कि 8.2 है। आप मेरी पिछली वीडियोस में आप 8.1 का इंट्रोडक्शन, 8 के सॉल्यूशन आप देख चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे 8.2 की, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपने 8.2 का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया कि कैसे आप इवेलुएट करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, टास्क 30 की वैल्यू कितनी होगी। एकदम मजा आ जाएगा आपको अभी करते करते, एकदम आपको लगेगा कि एकदम ईजी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। साइन 60, अगर आपको वो टेबल याद है जो कि आपको मैंने प्रीवियस में दिखा रखा था कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। साइन 60 है, कितनी वैल्यू होती है? आप सीधा सीधा वैल्यू बस पुट कर दीजिए, अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितनी होती है? तो अंडर रूट 3/2 इसकी भी होती है, प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 30 1/2, क्योंकि आपको लर्न होगा कि हम साइन का जो चलते हैं जस्ट वहां से अपोजिट आ जाए तो कॉस का होता है। तो अब ये अंडर 3 का मल्टीप्लाई अंडर 3 का 3 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो गया आपका एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 इक्वल टू 4/4 एंड सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था ये आपके लिए, देखें कितना इजी है। सच बता रहा हूँ, आप मेरे तरीके से चलेंगे एकदम आपको हार्ड नहीं लगेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आपका। 2 sin² 45 है, तो कितना हो जाएगा? आप सिंपल सा इसकी बात करें तो 2 into 10² 45, तो 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 हुआ और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ऑलवेज एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे लिखा है, मान लीजिए कोई एक थीटा है यानी मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपका वो है साइन थीटा या कॉस है जो भी है, तो आप जैसे ऐसे लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है मान लीजिए एक थीटा है आपका, अगर ऐसे लिखा है मतलब कि ये इक्वल है टैन थीटा स्क्वायर के तरीके से, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखा है तो वाली ये थीटा का स्क्वायर है ना कि टैन का स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ जो थीटा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे तो पूरे थीटे के वैल्यू के साथ स्क्वायर करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बात करते हैं आगे हम कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये चीजें दोनों तो बराबर हैं, ये चीजें दोनों बराबर अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2 दोनों होल स्क्वायर रहते हैं, दोनों चीजें बराबर है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। बच गया क्या आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 इज 2 into 1 2, ये आपका आंसर हो। देखिए कितना इजी है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना करते हैं तो भी बात वही होती है, लेकिन जब दोनों चीजें सेम है प्लस का और एक माइनस का, तब यहीं से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये दोनों क्वेश्चन, और इस बिहाव पे भी आप आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप कर सकते हैं, एकदम ईजी है, कोई हेडक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और सिंपली जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं आप कर डालिए एकदम आ जाए। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 तो देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं, एकदम ईजी है सरल सा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। वैल्यू पुट अप cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 हो गया आपका। sec 30 की वैल्यू, sec 30 का वैल्यू आपको नोन है कि cos थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है sec थीटा,
तो cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है। cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है, तो से 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहां लिख लेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस कोसेक 30 का सेम फिनोमेना साइन के साथ, तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई आपकी। ओके, तो अब क्या करेंगे आप, सिंपल सा है अभी। अब देखिए ऊपर आपका फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन का एडिशन है, तो आप इसको फ्रैक्शन एडिशन फार्मूले का यूज कर लीजिए, यानी ऊपर वाले को एट इज वैसा हम फ्रैक्शन का एडिशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला आप इसका है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हो, सिंपल सा। तो 1 2 2 प्लस अंडर रूट 3 2 सा, तो अब इसका दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो आप चाहो तो ये लिखो, या अदरवाइज मत लिखो, अज्यूम करो एज ऑलवेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड बाई इसके हैं, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे और नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे, एंड जो डिनोमिनेटर साइड में फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर लें, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया आपका। तो फाइनल क्या हो गया, अंडर रूट 3 न्यूमरेटर साइड में चला गया, अंडर रूट 2 नीचे हो गया, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 और इन ब्रैकेट अंडर 2, ये आपका आंसर हो गया। चाहो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक चीज और लिख सकते हो कि अंडर रूट 3 अपॉन मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। 6 कैसे हो गया, कि अगर रूल है कि अगर आपका पावर सेम है, ठीक है, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी 2 इंटू 3 अंडर रूट ऐसा लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 6 ये हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे और आपको ये चीज आ गया, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या आप कह लीजिए कि नीचे इस टर्म में रखना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेंगे। तो क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो रेशनलाइज करने के लिए हमारा मेथड होता है कि नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, यानी 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये चीज हुआ आपका। ओके, तो क्या कर सकते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू 3 हो जाएगा। प्रीवियस रूल से जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देख रहे हैं सेम थिंग है, तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर 6 का होल स्क्वायर। तो अभी आपका क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आपका हो गया, 2 चाहे तो आप यहाँ से कॉमन ले लें, और यहाँ का ये अंडर 18 हो जाएगा, ठीक है, अंडर 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं, अंडर 2 इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 3, यानी ये 3 से 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 अंडर 2 लिख सकते हैं। फिर बात करना शुरू कर दिया आते ही ये लिख सकते हैं आप, यानी आपका 2 अंडर रूट 6 माइनस 3 आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 अंडर रूट 2 बच जाएगा आपका, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6, 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2 अपान, ये आपका 8 हो गया और ये हो गया 24, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। तो हम इसको ऊपर लिखते हैं,
टू अंडर रूट सिक्स माइनस सिक्स अंडर रूट टू आपका, और नीचे एट माइनस 24 है आपका, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें आगे, तो यहाँ से जैसे टू कॉमन ले ले, माइनस टू कॉमन ले लीजिए आप, माइनस टू कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट सिक्स और प्लस थ्री अंडर रूट टू अपान, ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका 24 है तो 16 हो गया, माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल है, टू से एट कैंसिल, 16 कैंसिल, तो ये आपका फाइनली इसको अरेंज कर लीजिए, थ्री अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट सिक्स अपान एट, दैट विल बी आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ही आप क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 तो देख चुके हैं कितना इजी था, कैसे आपने किया और कैसे आप अपने सेल्फ से खुद से कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, अगर आपको इनकी वैल्यूज लर्न है, आपको रिमेम्बर है, तो इनको चुटकियों में करना काम होता है। सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट्स का आप टाइम दे के फटाक से कैलकुलेशन बेस पे आप इसको कर सकते हैं। क्या करना है, साइन 30 है आपका, साइन 30 की वैल्यू बस सिंपल सा आप पुट अप करिए, साइन 30 की वैल्यू आप पुट अप करिए, साइन 30 कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस टेन 45 1 हो गया, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, साइन थीटा की कितने, थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है, साइन 60 के, ऐसे सबका आपको याद रखना है। और कैसे करना है आपको, मैंने पहले वीडियो में आपको ट्रिक बताया था। तो ये हो गया कोसेक 60, कोसेक 60 यानी साइन 60 का जस्ट रेसिप्रोकल, तो साइन 60 का आपका अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 2/√3, वैसे साइन 30 फिर है तो 1/2 प्लस कॉस 60 दैट इज 1/2, ओके। अब नाउ आगे कॉट 45, कॉट 45 का भी 1 ही हो जाएगा। नाउ लेट सॉल्व, तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो क्या जाएगा, एलसीएम आपका नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है थोड़ा सा, तो आप 1 मान सकते हो, तो एलसीएम आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया सिंपल, तो 2/√3 हो गया। यहाँ क्या बचा आपका √3, यहाँ क्या बचा, दोनों चीजें आ गई, और यहाँ आपका 4 हो गया, 2 × 4। नाउ दिस विल 2 ½ 1 हो गया, 1 1 + 2 हो गया, सिंपल सा आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ के 1 + 1 + 2 ऐसे भी कर सकते हो आप। अभी इसको आगे क्या लिख सकते हो, अभी आप ये एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या हो गया 4, ठीक है, माइनस का है इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो 1 है ये, एक बार लाइक टर्म्स है, √3 + 2√3, तो 3√3 − 4 और अपॉन 2√3 हुआ आपका, नीचे आपका 4/2 यानी इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1/2 बचा, तो 1/2 बचा, तो अभी आप क्या लिख सकते हैं इसको, 3√3 − 4/√3 इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2 है तो 2/1 हो गया आपका, जैसा पिछले भी सॉल्यूशन में ऐसा बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपके क्या बचा है, 3√3 − 4/√3, √3 चूंकि नीचे रखना थोड़ा सा और सब आता है या नहीं रखा जाता है मैथमेटिक्स में, तो इसको रेशनलाइज हम कर लेंगे, √3/√3 कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर अब आपका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसल आउट हो जाता है और सिर्फ नंबर उसका बचता है, और 4√3 नीचे 3 हो जाएगा, यानी 9 − 4√3/3 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है। ऐसे ही आप आगे की क्वेश्चन सेल्फ से भी
कर सकते।